सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, बिहारी पुलिस ने नशे के आदि अफराद की बहाली के लिए पुरअज़म। 47 अफराद का इलाज मुआवजा करवा कर एले खाना के हवाले कर दिया गया। बिहारी पुलिस ने नशे के आदि अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पहले मरले में रूरल हेल्थ सेंटर साहूका में नशे में मुबतला अफराद की मुकम्मल बहाली और बेहतरीन रोज़गार फ्राहम करने की कामयाबी के बाद आज रूरल हेल्थ सेंटर लुडन के दूसरे मरले में भी 47 मनशियात के आदि अफराद की बहाली और मुकम्मल सेहत याबी के बाद उनके अहल खाने के हवाले कर दिया। इस हवाले से मुकामी मैरिज हॉल में एक प्रोग्राम का इनका किया गया जिसमें दीगर इंतजामी अफसरान, सिविल सोसाइटी, अंजमन ताजरान और वकला के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा का कहना था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर साहूका और लुडन में नशे के आदि अफराद को बाइज्जत तौर पर सरकारी गाड़ी में लाकर इलाज मुआवजा किया गया, जहां उन अफराद की कटिंग, शेव, नए कपड़े और गोमिंग की गई। इन अफराद को मुफ्त इलाज के साथ बेहतरीन खाना और काउंसलिंग की गई। HIV से मुतासर अफराद का इलाज अलग रखकर NGOs के जरिए किया गया। DPO ईसा खां का कहना था कि पुलिस ने जिले इंतजामिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और प्राइवेट NGOs के भरपूर तावन से यह काम सर अंजाम दिया। जिले पुलिस नशे के आदि अफराद की मुकम्मल बहाली के साथ बाइज्जत और कारामद शहरी बनाने के लिए कोशा है। इस हवाले से जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। जी, कोई हम टायर पंचर, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई चीज भी, तो ये आपका इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और मेरे नबी की हदीस है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो 40 जवान बैठे हैं जिन्होंने अगले कितने साल इस जिला बिहाड़ी में रहना है, अगर ये करामत शहरी बनेंगे, बात देता हूं कि उन्होंने बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके बच्चों को दोबारा जिंदगी, वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से इनायत हो गया है। ऐसे हुकूमतों के ये प्राइस में शामिल होता है कि वो अपने अवाम नाश के रोजगार से हेल्प करें। उनके लिए हमने घर अरेंज करने थे ताकि हम घर दे सके। उनकी पेंशन पर सबकी तो इतनी ज्यादा नहीं थी, चाहे वो वेल्डर का है, चाहे वो कोई पंचर वाला है, चाहे वो और कोई भी किसी किस्म का कोई टेक्निकल काम है, तो हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। हम आपके साथ हाजिर हैं। हमारे दीगर जो डिपार्टमेंट्स थे उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जिनमें हमारा हेल्थ सेक्टर था, क्योंकि इनको RSC में रखा गया जहाँ पे इनको बकायदा तौर पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग मेडिसन वो प्रोवाइड की जा रही थी। डॉक्टर हजरात रेगुलरली इनका चेकअप कर रहे थे। उसके साथ साथ हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत इनको इनका खाना पीना उसका बंदोबस्त किया जा रहा था। उस सिलसिले में मैं खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जो NGOs हैं, जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करते हुए इनको एक अच्छा जो खाना था वो प्रोवाइड किया, इनके लिए जो इनका लिबास था उसका। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तो हम ईसा खान के बहुत मशहूर हैं जो जिला बिहाड़ी की सरजमीन पे एक फरिश्ता बनकर आया है। ये उम्मीद भी नहीं थी मेरी 34 साल उम्र मैट्रिक तलीम में हम दल दल में फंसे हुए थे, और ये जो मेरे भाई बैठे हैं अदारों में खर्चा पे नहीं कर सकते थे, मुश्किलात थी, लेकिन DPO साहब का शुक्र गुजार हूँ जो ये सोच लेके आ रहे हैं। हर ऑफिसर की अपनी एक सोच होती है, कोई अच्छे काम करता है, कोई करप्शन करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं ईसा खां को बहुत आंफरे हुई है, बहुत धमकियां मिली हैं। हम भी दुनिया में रहते हैं, अब इलाके में रहते हैं, तो शुक्र गुजार हूँ और ये जज्बा कायम रखे हम आपका साथ देंगे। तो इसी खुशी में बस दो तीन दोड़े ईसा खां को सुनाना चाहता हूँ। मौला अली का जिक्र, उसके बाद दौड़े। कदम कदम पे हते हैं तबार लगता था, कदम कदम पे हते हैं तबार लगता था, उन्हीं के हाथ में कुल इख्तियार लगता था।
नौशहरी की निगाहों का कुछ कसूर न था, अली था भी ऐसा के परवरदिगार लगता था। बे चंगे सचन होवे तो मुकदा कुछ नहीं, जे कोल ईमान तो होवे कम कोई नहीं, संगति भाई वर्गा मुश्ताक ध्यान जे होवे ते भवे राज बमोर दे रहना है। चलो तक मिकरान ते होवे, मर गया भी कबर ते रश रहा है, बंदा कुछ इंसान तो होवे। शुक्रिया। इसलिए नए लाइफ बॉय में है एक्टिव सिल्वर, जो दे जरासीम से 10 गुना बेहतर हिफाजत। नया सिल्वर लाइफ बॉय, दुनिया का नंबर 1 जर्म प्रोटेक्शन सोप।